इस गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर दिल्ली हावड़ा रेल लाइन के उस पार इन खेतों में अब एक नए शहर को बसाने की तैयारी शुरू होने लगी है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने इस रेलवे लाइन तक जमीन को अधिग्रहण किया है और इस रेलवे लाइन के उस पार से ये जो आप जगह देख रहे हैं, जो रास्ता गया है यहाँ, ये जो रास्ता गया है ये नई बस्ती फजाइलपुर गांव, इस तरीके के गौतम बुद्ध नगर में 20 गांव पड़ते हैं जिनकी जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा नया नोएडा बसाने में। और न सिर्फ गौतम बुद्ध नगर के 20 गांव की जमीन अधिग्रहित होगी बल्कि बुलंदशहर जो कि इसी गांव से आगे पड़ता है, बुलंदशहर के भी 60 गांव की जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा और फिर एक नया शहर नया नोएडा बनाया जाएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं उन गांवों में जिनकी जमीनों को अधिग्रहित किया जाना है। रेलवे ट्रैक से आगे बढ़ने के बाद गौतम बुद्ध नगर का गांव फजाइलपुर है। अखबार के जरिए गांव के लोगों को पता चला है कि उनकी जमीन भी नए शहर के लिए अधिग्रहित होने वाली है। गांव की बुजुर्ग महिला समेत नौजवान अतुल शर्मा से हम लोगों ने बात की। गांव के ज्यादातर लोग असमंजस में हैं। दोनों चीजों का साइड इफेक्ट होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर जमीन जाएगी तो लोगों के पास में पैसा आएगा, शायद कुछ रोजगार के वो बनेंगे, हो सकता है कुछ कंपनीज खुले, कुछ अधिग्रहण होगा, कंपनीज आएंगी, इंडस्ट्रियल प्लॉट आएंगे, कुछ हमें भी परसेंटेज के प्लॉट मिलेंगे। लेकिन उसका सेकंड इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों को पैसा झेलता नहीं है इतनी आसानी से। फजाइलपुर, चंद्रावल, फूलपुर समेत गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर की करीब 21,000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होना है। ये इलाका ईस्टर्न पेरिफेरल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सटा हुआ है। इसी के चलते यहाँ एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने की भी योजना है। हम इसमें 40% इंडस्ट्रीज और लॉजिस्टिक्स और शिपिंग इंस्टीट्यूशन और रेजिडेंशियल, इसके लिए पूरा हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। अभी बोर्ड में इसका अप्रूवल मिला है, पब्लिक के सामने हम इसको ले आएंगे। तो 30 डेज एक ऑब्जेक्शन के लिए हम लोग टाइम देंगे, जो भी ऑब्जेक्शन मिलेगा इसका निस्तारण भी होगा। उधर नोएडा के रहने वाले और उद्योगपति न्यू नोएडा के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम मिले नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से जुड़े सुधीर श्रीवास्तव से। उनकी नोएडा में केबल बनाने की फैक्ट्री है, वो उसका विस्तार करना चाह रहे हैं, लेकिन नोएडा में जमीन न मिलने से कई साल से उनका प्रोजेक्ट लटका हुआ है। अब न्यू नोएडा से उम्मीदें बंधी हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि अभी एक्सपेंशन में अगर हमें कोई अगर यूनिट लगाना है तो नोएडा में अब कोई जगह बची नहीं है। तो ऐसे में जो न्यू नोएडा आ रहा है तो ये हम लोगों के लिए एक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा एक स्कोप है कि हम एक्सपेंशन में वहाँ जा सकते हैं। 1975 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा को करीब 5 लाख की आबादी के लिए तैयार किया गया था। आज नोएडा में 6,000 से ज्यादा फैक्ट्री और गौतम बुद्ध नगर की आबादी 19 लाख के आसपास है। ऐसे में बढ़ते औद्योगिकीकरण और आबादी का दबाव लोग महसूस कर रहे हैं। न्यू नोएडा का विकास के लिए जैसे ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, अलग अलग प्राधिकरण बनाए गए हैं, इसी प्रकार एक न्यू नोएडा का अलग प्राधिकरण बैठाया जाए और उसके सीईओ और अधिकारी अलग हो, क्योंकि नोएडा बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो गया है और यहाँ बहुत सारी चीजें अभी करने के लिए बाकी हैं। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे तक समय समय पर विस्तार होता रहा है, लेकिन जब जनता के सामने न्यू नोएडा का मास्टर प्लान आधिकारिक तौर पर आएगा तभी पता चलेगा कि नए औद्योगिक माहौल और आवासीय जरूरतों की चुनौती का न्यू नोएडा शहर कैसे मुकाबला करता है।